नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। एक 14 वर्षीय बच्चे की डूबने के कारण मृत्यु हो जाती है और ये मामला सांबा का है, सांबा के गुगवाल इलाके का। यहां पर 14 वर्षीय बच्चा जिसका नाम विक्रम है, वो अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए, एक नाले में नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहाँ नहाने के लिए जब ये जाते हैं तो इन्हें मालूम नहीं होता कि वो पानी कितना गहरा है और ये पानी अचानक कैसे गहरा हुआ, उसकी जानकारी थोड़ी सी हम आपको बता दें। इलीगल माइनिंग उस इलाके में होती है और वहाँ पर जो माइनिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने इतने ज़्यादा गहरे खड्डे कर रखे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और जब वहाँ पर बच्चे नहाने जाते हैं तो वो जब उसमें पानी में छलांग लगाते हैं तो वो उस खड्डे में फंस जाते हैं और उससे वो विक्रम जो है वो बाहर नहीं निकल पाता और उसकी मौत हो जाती है। माइनिंग, इलीगल माइनिंग के खिलाफ कई सारी आवाज़ें वहाँ से लोग उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ये जो मृत्यु हुई है उसकी दंग करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें गगवाल इलाके की है, सांबा की, गगवाल इलाके की, जो नाला है बेई नाला इसका नाम है, उस जगह की तस्वीरें हैं और विस्तार से खबर आपको बताने हम जा रहे हैं। सांबा जिला के गगवाल बेई नाले में क्रेशर चालकों द्वारा किए गए अवैध खनन तथा नालों में जगह जगह खोदे गए गड्ढों की वजह से 14 वर्षीय युवक की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कूटा गांव का 14 वर्षीय युवक विक्रम पुत्र धर्मपाल अपने 3 अन्य साथियों के साथ बेई नाले में नहाने गया हुआ था। इस दौरान वो नाले में खोदे गए गड्ढे जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ था नहाने के लिए उतरा लेकिन गड्ढा गहरा होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। उसके साथियों ने उसे निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाए। जब तक गांव में सूचना देकर रस्सा मंगवा कर युवक को बाहर निकाला जाता तब तक उसकी जान चली गई थी। कोटा के पूर्व सरपंच कांत कुमार शर्मा ने बताया वो
कई नालों में क्रशर चालकों द्वारा अवैध खनन का मुद्दा कई बार उठाते रहे हैं, लेकिन खनन विभाग ने कभी इसकी परवाह नहीं की। बाई नाले में जगह जगह 10 से 15 फीट गहरे खड्डे खोदे गए हैं और उनमें सिल्ट बढ़ जाने से अगर कोई उसमें गिर जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाता। गांव वालों ने बताया कि मृत का परिवार 2 दिन पूर्व ही ले से कूटा में आया हुआ था। यहां ये लोग बरादरी की एक मेल में भाग लेने वाले थे। मृतक का पिता लेह में नाई का काम करता था। गौरतलब है कि कई बार समाचार पत्रों में भी अवैध खनन की खबरें लगाई गई थी, इसके बावजूद भी विभाग खनन माफिया पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हुआ, जिसकी वजह से आज 14 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई। तो आपने ये दंग करने वाली तस्वीरें देखी, ये सांबा के गगवाल क्षेत्र की है। पूरी जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता देंगे, मुकेश जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश जी जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है, 14 वर्षीय बच्चा जो है वो पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानकारी दें कि मामला क्या है ये। तो मामला ये है कि खनन माफिया द्वारा लगातार बेई में माइनिंग की जा रही है, तो उन्होंने बहुत गहरे खड्डे निकाल दिए गए हैं। तो जैसे बरसात का पानी आता है, जो युवा अपने साथी के साथ गए थे वहां नहाने के लिए, यहाँ माइनिंग, ये जो माइनिंग हो रही थी ये बेई नाला है, कोई ये कठुआ और सांबा के बीच पड़ता है, जहाँ से कठुआ डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है, ये गगवाल के पास पड़ता है बेई नाला। अच्छा जी, तो वहाँ पर माइनिंग, उस नाले में माइनिंग नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, माइनिंग तो बंद है, जैसे शाम डलती है तो माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो जैसे युवा अपने साथियों के साथ वहाँ पे नहाने गए, उनको ये नहीं पता था कि ये गड्ढे कितने गहरे हैं, उन्होंने जैसे छलांग लगाई तो वो बाहर निकल नहीं पाया वो लड़का। अच्छा, लड़के वहाँ पर नहाने गए हुए थे जी, ये वो कहां पहले जाते होंगे नहाने, तो उनको उनको गड्ढे के बारे में नहीं पता था कि ये कितने गहरे हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्रशर वाले हैं उन्होंने माइनिंग करके गड्ढे इतने गहरे कर दिए, किसी को पता नहीं कि ये गड्ढे कितने गहरे हैं। ये कितने फीट गहरा होगा ये गड्ढा, इसका सर कोई अंदाजा लगा सकता? पानी भरा है इसमें, कोई अंदाजा लगा सकते इसका? क्योंकि जैसे उन्होंने छलांग लगाई वो बच्चे बाहर नहीं निकल पाया। वो बच्चा, ये बच्चे जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कोटा के बच्चे का क्या नाम था? तो फिर हीरानगर के पास वाला पंचायत कोटा। तो बच्चे का क्या नाम था? हाँ जी, लड़के का क्या नाम था? एक जान, लड़के का क्या नाम था? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, इसका नाम था विक्रम। विक्रम, हाँ अच्छा जी, और इसके पिता का नाम धर्मपाल। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की है इस मसले पर? इसका भी कोई हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन चल रही है क्या नहीं है, और लड़की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई उसकी। नहीं तो आपको लगता है कि वहाँ पर जो माइनिंग होती है वो प्रशासन की मिलीभगत से ये सारी माइनिंग जो है इलीगल तरीके से की जाती है? माइनिंग को लेकर तो आए दिन खबरें लग रही है, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन खबरें लग रही है, कभी सांबा में कहीं ना कहीं माइनिंग चली रही है, जैसे अंधेरा होता है माइनिंग स्टार्ट हो जाती है तो वह प्रशासन अपने ऑफिस सुबह माइनिंग बंद हो जाती है। तो आपको लगता है ये माइनिंग विभाग का पूरी तरह से वो नाकामयाबी है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही दिख रहे हैं। कोई पैसा वैसा तो नहीं लेते हैं? वो तो सामने दिख ही रहा है वो, कि अगर वो उसके उनके पीछे माइनिंग हो रही है, शाम डलते माइनिंग हो रही है, तो वो साफ दिख ही रहा है कि मिली वक्त से ही हो रहा है वो। तो वहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि इस मामले पे क्या कार्रवाई हो? लोगों ने कहा कि हमने कई बार प्रशासन को प्रशासन को इसके बारे में बताया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं तो लोग अभी क्या चाह रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो, और ये छोटे बच्चे की जान चली गई है 14 वर्ष के, तो क्या चाह रहे हैं लोग? लोगों में तो बहुत सारा रेश है प्रशासन को लेकर, आप देखो क्या है। हम अभी इसकी जानकारी हमें कुछ हासिल नहीं हुई है, अभी हम जा रहे हैं उनके गांव में जा रहे हैं, वहां पता करेंगे कि पूरी आखिर आगे क्या है क्या नहीं। चलिए मुकेश जी, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी सर, तो ये देखें, ये दंग करने वाली तस्वीरें, एक छोटा बच्चा जिसकी मात्र उम्र 14 साल,
वो अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए जाता है, और जब वो वहाँ नहाने के लिए जाता है तो ये माइनिंग करने वाले लोगों ने वहाँ पर इतने गहरे खड्डे कर दिए थे कि बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कितना गहरा है। और जब वो उसमें कूदे, उन्होंने छलांग लगाई नहाने के लिए, तो वो उनमें से एक लड़का जिसका नाम विक्रम है उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जैसे मुकेश जी बता रहे हैं कि वहाँ पर न्यूज़ भी फ्लैश होने के बावजूद भी उन माइनिंग करने वाले लोगों के ऊपर, जो माफिया है वहाँ के, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ऐसा लगता है कि जैसे विभाग की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। इस मसले पर ज़रूर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें, और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।